शांति ओम शांति ओम शांति। ये जो भाई है ना मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये मेरे बचपन का क्लास फेलो थे, ये मुझसे एक क्लास आगे थे। इनका नाम है डॉक्टर राधा रमन और ये मेरे ख्याल से यहाँ प्रधानी भी कर चुके हैं 5 साल की, जैसे हमारे इलाके में सरपंची बोलते हैं। तो ये मेरे बचपन के दोस्त हैं ना, इनके पिताजी भी टीचर थे, मेरे पिताजी भी टीचर थे। और देखो आज हम दोनों, उस समय ऐसा लगता था कि यार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ज़िंदगी में। भाई जी तो मुझसे पहले फील्ड में अच्छे बन गए, जैसे डॉक्टरी वगैरह हासिल कर ली, मैं थोड़ा बाद में हुआ। मैं जब 2007 में फरीदाबाद चला गया ना, यहाँ से जाने के बाद मेरा भी भाग्य बदल गया। मैं आज वहाँ वकालत करता हूँ और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो जैसे आज हमारे ये भाई मिले और हमारे पीछे राजेश भाई सब मिले, तो इनको देख के इतने उत्साह हो रहा है कि यार हमने चलो जीवन में कुछ ऐसा तो किया कि आज इन लोगों के साथ हम खड़े हुए। ये तो यहाँ ऐसा लगता था पता नहीं कैसे जीवन व्यापन होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हमारे ये डॉक्टर भाई है ना, इनका एक अच्छाई मैंने ये देखी, जैसे हमारे यहाँ जब परिक्रमा निकलती है ना रात में, वो आगरे की परिक्रमा, तो भाई जी स्पेशल डॉक्टरी की दुकान लगा के बैठते, किसी को कट जाए पिट जाए जो आ रही बीमारी दवाई लीजिए। तो ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, तो आज हमें बोलने का मौका मिला। तो हमारे राधा रमन भाई हैं, आज बहुत अच्छा लगा, मेरा बचपन का दोस्त मिला, ऐसा लगा कि पता नहीं आज क्या मिल गया, क्योंकि मेरी सोच इनकी सोच मिलती हुई है और पारिवारिक संबंध रहे हैं और हम काफ़ी बचपन से एक साथ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज मेरा पुराना मित्र मिला। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि फरीदाबाद जाके आप वकालत कर रहे हो, एक समाज सेवा कर रहे हो, एक सत्संगी सेवा संस्थान से जुड़े हुए हो, तो लोगों को एक बहुत अच्छे अच्छे जागरूकता के लिए आप अपने विचार दे रहे हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।